हेलो बच्चों, मैं चेतन मिश्रा और आज के वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो 2023 में अपने क्लास 10 के बोर्ड्स देने वाले हैं। ये साल मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इंडिया लेवल का कोई पहला एग्जाम फेस करने वाले हैं इस साल, और यहाँ अच्छा करना आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोरल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। और यहाँ सच पूछो तो अच्छा करना उतना मुश्किल भी नहीं है, हमें बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां हैं जो हमें पूरे साल अवॉइड करनी है। ठीक है, उन गलतियों को नहीं करेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। वो गलतियां क्या हैं, चलो इस वीडियो में बात करते हैं। और सभी लोग इन गलतियों को लिख लेना और एक बार जरूर सोचना कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता देना इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहां पर क्लास 8, 9 और 10th के साइंस और मैथ्स के फ्री लेक्चर्स आप सभी लोगों के लिए आएंगे। लेक्चर्स ही नहीं, असाइनमेंट्स और फ्री टेस्ट भी आने वाले हैं, इतना कौन देता है। ठीक है, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और कमेंट्स करके बताना कि और किन और किन किन चीजों पर तुम्हें वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, ऑलराइट। तो गलती नंबर वन, लोग ये करते हैं कि बहुत सारी एडवाइसेस लेते हैं, टेकिंग टू मेनी एडवाइसेस। एडवाइस आजकल तो भैया हवा और इंटरनेट से ज्यादा एडवाइसेस मिलती है। हमारे परिवार में लोग होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे दोस्त होते हैं, सीनियर्स, पड़ोसी के भैया दीदी, कोई बड़े जिन्होंने 10th कर ली हो, आगे की पढ़ाई कर रहे हो। इंटरनेट पर तो भैया मतलब इतना ज्ञान है कि पूछो ही मत, जिंदगी निकल जाएगी पर ज्ञान हम सारा ले नहीं पाएंगे। स्कूल में टीचर्स का ज्ञान होता है, मतलब स्कूल कोचिंग, मतलब हर जगह ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो कितने सारे ज्ञान लोगे, क्या सबकी सारी बातें सुनोगे? तो फिर हमारी जो टॉप फ्लोर में कुछ बुद्धि है उसका यूज हम कब करेंगे? तो हमें अपने बहुत सारे मेंटर्स नहीं बनाने हैं, हमें कुछ चुनिंदा लोगों के ही एडवाइसेस देनी है। हमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ, इनकी एडवाइसेस से मैं रेजोनेट कर पा रहा हूं। किसी ने मुझसे कहा कि भाई तुम 4 बजे सुबह उठ के फलाना सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, अरे मैं 4 बजे शायद उठ के उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा, किसी और के लिए काम की होगी, मेरे लिए नहीं कर रही है, तो मैं ब्लाइंडली उस एडवाइस को कैसे फॉलो करूं? ठीक है, तो एडवाइस फॉलो करने के पहले अपनी बुद्धि जरूर यूज करना, उसमें थोड़ा फिल्टर लगाना, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करना, जिससे हमारा डेली शेड्यूल बिल्कुल ना बिगड़ जाए। ठीक है, सबके पढ़ने का समझने का तरीका अलग होता है, स्पीड अलग होती है, तो किसी के एडवाइस को हम ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते, सब लोग डिफरेंट होते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के मेंटर्स चुनना अपने, और उसमें फिल्टर लगाकर अपने हिसाब से एडवाइस को मॉडिफाई करना। ठीक है, गलती नंबर टू, लोग सोचते हैं कि क्लास 9th में अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरे से क्लास 10th में अच्छा होना ही नहीं है। 9th में सर कहां 60% आता था, 10th में कहां से 96% लेके आ जाएंगे। सच पूछो, ओवरनाइट चेंजेस तो बिल्कुल नहीं होते। ऐसा नहीं था कि मैं आज 60 ला रहा हूं तो कल अचानक से 90% लेके आ जाऊं, टाइम लगता है। लेकिन एक खुशखबरी मैं दे दूं, क्लास 10th क्लास 9th के कंपैरिजन में इजी होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने भी 10th पास किया हुआ है। ठीक है, तो क्लास 9th क्लास 10th के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 10th में क्या होता है ना, नंबर लाने थोड़े ज्यादा आसान होते हैं। 10th में बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें पहले के सुनी सुनी लगेगी, लगेगा अच्छा ये तो 8th में सुना था, अच्छा ये तो 9th में सुना था। अगर मैं एग्जाम्पल छोटा सा दूं, क्लास 10th के मैथ्स के पहले दो चैप्टर्स देखना सीबीएसई के, और क्लास 9th के एनसीईआरटी के वही पहले दो चैप्टर्स देखना, दोनों सेम है। सेम इसलिए क्योंकि हमने उसका रियल नंबर्स जो है वो 9th में भी है, 10th में भी है, मतलब तो उसी का अपग्रेडेड वर्जन थोड़ा सा 10th में हमें सीखना है। तो हमारा जो 9th में पढ़ी हुई चीजें है ना, तुम्हें अच्छे से तुमने सीखी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें सीखने में उतनी मुश्किल नहीं होगी एज कम्पेयर टू दोज थिंग्स जिनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, 8th में पढ़ा था तुमने लाइट चैप्टर, यहां भी है, तो बहुत सारी चीजें हमें सुनी सुनी मिलेंगी। तो नंबर लाना उतना मुश्किल नहीं है जितना सोच रहे हो। ठीक है, तो पहले अपने दिमाग से ये नेगेटिविटी निकालनी है कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता, लीविंग एवरीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय के लिए सब छोड़ देंगे, अरे पढ़ लेंगे ना एग्जाम के पहले, एग्जाम में ही तो लिखना है, एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है, चीजों को लास्ट के लिए छोड़ना, सारी चीजें पाइलअप होती जाएंगी और आखिरी में सब कुछ पढ़ना होगा। मैं बताऊं दिक्कत क्या होती है, ये गलती मैंने भी की थी क्लास 10 के शुरू में। होता क्या है, एग्जाम के पहले अगर तुम किसी चीज को पहली बार पढ़ोगे ना, वो चीज उतनी ज्यादा सॉलिडिफाई दिमाग में नहीं हो पाती है। अगर हम किसी चीज को एक बार पढ़कर सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो वहां पर थोड़ा हिला रहता है। दूसरी बात, मान लो इंग्लिश में तुमने 5 चैप्टर्स पढ़े,
एग्जाम देने चले गए, होगा क्या कि इस चैप्टर का कोई कैरेक्टर उस चैप्टर में मिल जाएगा, पांच कहानियां पढ़ी, कहानियां भी मिक्स होने लग जाती है, राइट, डायग्राम वगैरह वो भूल जाओगे कि अच्छा यहाँ पे क्या था, मैप में भूल जाओगे कि अरे ये चीज कहाँ पे थी, तो ये सब कंफ्यूजन आने लग जाते हैं। पढ़ के लगेगा कि अच्छा ठीक है, ठीक ठाक तो हो ही गया है, पर जब एग्जाम में हम मतलब कोई भी प्री बोर्ड हो या फिर कोई स्कूल का एग्जाम हो, वहां पर एग्जाम देने जाओगे ना, तो वो कंफ्यूजन, वो एक जो डर रहता है ना, वो बना ही रह जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो एग्जाम के पहले हम पहली बार पढ़ रहे हो, उसे हमें पहले से पढ़ना होगा, एग्जाम के पहले सिर्फ हम रिवाइज कर सकते हैं, और राइट, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और मैप वर्क वगैरह के लिए मैं बता दूं, मैप वर्क होते हैं, कई सारे डायग्राम्स होते हैं जिनको हमें अच्छे से दिमाग में रखना होता है, लोग फिर वही गलती करते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले लेके बैठते हैं, ऐसा मत करना। इसीलिए दो चीजें मैं बता सकता हूं, वीक में एक घंटा निकालो, हर वीक, वीकली एक घंटा बहुत है, हर वीक एक घंटा निकालो जिसमें तुम मैप वर्क और डायग्राम करोगे, डेढ़ दो घंटा भी कर सकते हो, बट एक घंटा मिनिमम, ठीक है, मैप वर्क और डायग्राम की प्रैक्टिस उस एक घंटे में करनी है। कोई फालतू सा टाइम निकालो ना, जब जो तुम्हें लग रहा है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैप में जो है वो है, अब मेरे सोचने से क्या उत्तराखंड ऊपर से नीचे थोड़ी चला जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ये समय मैप वर्क और डायग्राम प्रैक्टिस के लिए निकाल लो, ये देखना एग्जाम के टाइम में तुम्हें इस पर अलग से टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। और ये सब हुआ रहता है ना, मतलब जो छोटे छोटे नंबर कट जाते हैं ना, यहाँ पे गलत चीज हमने कर दी, डायग्राम में ये पॉइंट नहीं लिखा, वो सब नहीं हुआ, ठीक है, तो इस छोटी बात का जरूर ध्यान रखना है, ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं। गलती नंबर चार, ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है और इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है, लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं देखते, और मैं एक सीक्रेट सबके लिए ओपन कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, भले क्वेश्चन के वर्ड्स अलग हो जाए, सेंटेंस को अलग तरीके से फ्रेम किया जाए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो देखोगे हर दो तीन साल चार साल पे वो पूछेंगे ही वापस, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, कहां से मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे, उसी चीजों को घुमा फिरा के पूछना है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास होने चाहिए। मैं अगर साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं, मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, तो मुझे पता होना चाहिए पिछले 10 साल में इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या पूछा गया है, मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए, और कहीं से असाइनमेंट वगैरह मिले हैं तो वो भी कर लिए, लेकिन उसके बाद मुझे उस चैप्टर के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि पिछले सालों में क्या पूछा गया है और इससे किस तरह के क्वेश्चन के आने की उम्मीद होती है। अगर मैंने चैप्टर पढ़ लिया और मेरे से बोर्ड के सवाल ही नहीं हो रहे हैं, मतलब मैंने चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा ना, तो अपने आप को भी समझाना होगा मुझे कि जो पढ़ाई मैं कर रहा हूं वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं यार हमने जो पढ़ा है ना बोर्ड के क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, मतलब मैं ठीक ठाक जा रहा हूं, 9th से तो कम से कम बेटर कंडीशन है मेरी 10th में, राइट, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे बोर्ड के जस्ट पहले ये काम करना शुरू करते हैं, दैट इज टू लेट, डोंट लीव इट टिल देन, शुरुआत पहले से कर दो, और जितना पहले हर चीजों को शुरू करोगे ना उतना ज्यादा तुम प्रिपेयर्ड रहोगे लास्ट के टाइम में, ठीक है, एग्जाम से पहले तुम्हारी चीजें रिपीट हो रही होंगी, पहली बार तुम कुछ नहीं कर रहे हो, स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट, भाई इंटरनेट तो सबको फ्री में मिल गया इंडिया में, इंटरनेट एक दोधारी तलवार है, ये तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा भी सकती हैं लेकिन साथ साथ तुम्हारा टाइम भी खा सकती हैं। तो टाइम खाने के लिए इंटरनेट क्या क्या कर सकता है, इंस्टाग्राम रील्स तुम्हें दिखाता रहेगा, फालतू के वीडियोस, फालतू की साइट्स जिस पर जाकर तुम्हारा कोई खास फायदा होने नहीं वाला है, तो ऐसी चीजों को ना प्लीज इस साल अवॉइड करना। हम लोग सोचते हैं कि अरे यार आज का दिन ही गया ना, कल तो पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्लास 10th का ड्यूरेशन मतलब इनफाइनाइट नहीं है, ये ड्यूरेशन फाइनाइट है, और इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ आवर्स भी फाइनाइट होते हैं। मान लो एक साल के बाद बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो 365 दिन रफली में पकड़ रहा हूं, ठीक है, या चलो थोड़ा बढ़ा के ना उसको 400 डेज कर लेते हैं, तो 400 डेज अगर है हमारे पास, तो हमारे पास कितने आवर्स हो गए, 400 × 24 ही ना, लेट अस से मतलब 9600 आवर्स हो गए, उनमें से 1/3 तो मोर अर लेस सोने होने वाले हैं, ठीक है, तो 3200 निकाल दो उससे, 6400 बचे, उनमें से कितने, अब हमेशा तो पढ़ाई नहीं करोगे ना, स्कूल भी जाना है, मतलब बाकी काम भी कर दें, दोस्तों से भी मिलना है, थोड़ा सा टीवी भी देखना है, सारी चीजें करनी है, तो टाइम अगर आप मिला मतलब निकाल दोगे ना, तो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम बचता है, ठीक है, तो उस लिमिटेड टाइम को हमें अच्छे से यूज करना होगा। डोंट थिंक कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट टाइम है और जितना चाहो उतना टाइम वेस्ट भी कर दें तो भी टाइम बचा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। सोचो ना रात को रील्स देखने बैठोगे 10 बजे, जब हम खुद से कुछ देख रहे हैं, टाइम बीत रहा है, तुरंत देखोगे रात के 1:30 बजे, फिर सुबह उठोगे थोड़ा सा थकान सी फील आ रही है, मतलब
पूरा दिन तुम्हारा रुइन हो सकता है। और अगर हम सुबह एनर्जेटिक होकर नहीं उठते हैं ना, तो फिर वो दिन में जो काम हमने प्लान किया ना, वो काम करने का मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान बिल्कुल रखना और हर दिन ट्रैक करो कि कहीं हमारा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट तो नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। और इस चैनल पर हम टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आपको जो एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि ये इसको कैसे अवॉइड करें, बहुत सारी परेशानियां होती है मुझे पता है, तो जहां तक पॉसिबल होगा हम इस चैनल पे वीडियोस के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो पढ़ाई की चीजें वो तो होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 8, 9, 10th के बच्चे है ना, वो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। मैं तो IIT के बच्चों को पढ़ाता हूँ जो JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, और लेकिन मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। तो उनमें जो बेसिक साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती है ना, जो बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होती है, मैं उन डिफरेंसेस को जानता हूँ। तो मैं टाइम टू टाइम एक ही वीडियो में सारा ज्ञान तो नहीं दूंगा, पर्पस डिफीट हो जाएगा, लेकिन मैं टाइम टू टाइम पढ़ाने के बीच में भी, कई बार अलग अलग वीडियोज में भी, मैं आपको काफी चीजें समझाता रहूंगा जो आपके साल भर में काफी काम आने वाली है। ऑलराइट, मिस्टेक नंबर 6, दैट इज गेटिंग इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। इसको मैं पूरी तरह से गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर एक सीरियस रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हैं इस साल, तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपको किसी से बात करके अच्छा लग रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, दैट इज ओके, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कई बार होती है कि ये हमारे लिए कंफर्ट से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कई बार, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है, वो इस बात का है कि कहीं रिलेशनशिप बीच में खत्म ना हो जाए। क्यों? मैं रीजन बताता हूं। दोनों लोग शुरुआत में सीरियस हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन टाइम के साथ किसी एक को अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भैया मेरा तो एग्जाम, मतलब मेरी तो पढ़ाई पीछे आ रही है, वो खुद से भी हो सकता है, मम्मी पापा ने डांट दिया कि तुम्हारे नंबर क्यों खराब आए, तो उससे लोग ना फिर सोचते हैं अरे यार मेरा तो इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट हो रहा है। बट द सेकंड पर्सन इज दैट सीरियस, और किसी एक को लग गया कि नहीं यार यहां तो मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो लगता है पढ़ाई में ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो ये चीज ना, ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए ना, ये तो बड़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बच्चों के लिए तो मुश्किल होगी ही, राइट? और ये अगर बोर्ड के करीब जाके हो तो और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको किसी बहुत सीरियस कमिटमेंट से अभी फिलहाल बचना चाहिए, राइट? और बिल्कुल आप किसी को पसंद करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। ठीक है, अभी थोड़ा हार्श लगेगा सुन के कि अरे आपको क्या पता सच्चा प्यार है, ठीक है मुझे पता है, राइट? लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, क्योंकि सच बताऊं ना, अपने अगर मैं ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊं, तो पढ़ाई की कीमत पे ना तुम कुछ भी कर रहे हो, दैट्स नॉट वर्थ इट। तो आई होप आपको ये 6 मिस्टेक्स जो मैंने बताए, इसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे इस साल में, इन गलतियों को आप नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और सारी वीडियोस लाएं, वैसे मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं जिसमें एक डिटेल्ड स्टडी प्लान में दूंगा क्लास 10th के बच्चों को। जो बच्चे ये चीज चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उन्हें डिटेल्ड स्टडी प्लान चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर क्लास 9th के बच्चे भी एक स्टडी प्लान चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है? बोलना भैया लोग हैं IIT के हैं, थोड़ा सबके लिए वीडियोज बना रहे हैं, फ्री में बना रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा और हमारे पास भी लोग आएंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी वीडियोज बनाने की। ऑलराइट, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और ऐप डाउनलोड कर लेना, अकेडनेस नाम का एक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसी ऐप पर ना धीरे धीरे करके हम लोग जो प्रैक्टिस शीट्स हैं और जो फ्री टेस्ट होने वाले हमारे, वो वहीं पर अपलोड होंगे, ठीक है? और हम लोग जो यहाँ पढ़ाएंगे इसके नोट्स भी हम लोग वहां पर डाल देंगे। बढ़िया, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और सबको क्लास 10th में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी साइड से, और मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि सभी लोग अपने पोटेंशियल के उससे ज्यादा परफॉर्म करेंगे इस साल, और हम लोग आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। ओके, बाय बाय।